मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जॉर्ज एवरेस्ट के मुख्य द्वार पर सांकेतिक धरना देकर जॉर्ज एवरेस्ट में प्रवेश और पार्किंग के नाम पर की जा रही अवैध वसूली का जमकर विरोध किया। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा जॉर्ज एवरेस्ट बचाओ के बैनर तले प्रदेश की सरकार पर भू माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण जन जंगल जमीन को लेकर किया गया था, परंतु प्रदेश की भाजपा सरकार भू माफिया को संरक्षण देकर स्थानीय लोगों को बेरोजगार करने में लगी है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आज हमारे जल जंगल जमीन पर भारी लोग कब्जा कर रहे हैं। एक कंपनी यहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट में जिसने पूरी ज़मीनों को अपने कब्जे में ले लिया है, यहाँ के स्थानीय लोगों की जमीन अपनी ज़मीन है उसको कब्जे में ले लिया है। अब स्थिति ये हो गई है कि जो लोग अपनी ज़मीन में आना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, उनसे शुल्क वसूला जा रहा है। 200-200 रुपये हर एक व्यक्ति से लिया जा रहा है, 1000 रुपये पार्किंग का लिया जा रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों का रोज़गार प्रभावित हो गया है। हम ये कहना चाहते हैं, हम इस बात का विरोध करना चाहते हैं कि हमने ये राज्य अंडानियों, अंबानी और भारियों के लिए नहीं बनाया है कि कोई भी यहाँ के कब्जा करे, अपने लिए यहाँ पर पैसा बनाए। ये राज्य यहाँ के मूल निवासियों का है, इस पर हक यहाँ के मूल निवासियों का ही है। जो यहाँ का मूल निवासी है उसी को यहाँ पर अधिकार मिलने चाहिए। भारियों का हम विरोध कर रहे हैं। भारी चाहे कोई भी हो, चाहे कितना ही ताकतवर हो, उसका हम पिछले कई वर्षों से हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार हर बार भारियों को यहाँ की ज़मीनें दे रही है। हम देख रहे हैं पूरा जंगल एक कंपनी को सरकार ने दे दिया है, यहाँ के संसाधन भारी कंपनी को दे दिए गए हैं। इसका हम यहाँ पर विरोध करने आए हैं और हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर अवैध वसूली बंद होनी चाहिए। 200-200 रुपये लिए जा रहे हैं वो बंद होना चाहिए। 1000 रुपये पार्किंग का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। जो लोग यहाँ मूल निवासी हैं उनको आवागमन में किसी भी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड से कोई भी आदमी यहाँ पर आ जा सकता है, उसको किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। लोगों के ऊपर दुकानें हैं, उनका व्यवसाय प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं। पुणे उत्तराखंड का कि यहाँ पर यहाँ की सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास, पर यहाँ तो उल्टा किया जा रहा है। भू माफियाओं को पनपाया जा रहा है, जितनी भी बाहर की कंपनी आ रही है जॉर्ज में उनको पनपाया जा रहा है और बाहर की कंपनी को ये टेंडर दिया जा रहा है रोड का। यहाँ लोकल जो लोग हैं उनको उजाड़ने का काम किया है सरकार ने, कभी बसाने का काम नहीं किया है। ये पहाड़ विरोधी सरकार है और जहाँ तक देखा है उसका खुलकर विरोध करेंगे और जब तक ये यहाँ से ये हटता नहीं है तो इसमें हम खुलकर विरोध करके इसमें धरना प्रदर्शन करने के बाद दे रहेंगे। आपको मैं देख रहा है एक तो विपक्ष कमजोर है, मंत्री जी तो भू माफियाओं को पनपाने के लिए खुद सक्षम बैठे हुए हैं और मंत्री जी का काम हमेशा ये रहा है गरीबों को उजाड़ना, अमीरों को बसाना। इसके अलावा उन्होंने कोई यहाँ विकास का कोई धरातल में कोई काम नहीं कराया अभी तक क्षेत्र के अंदर।